नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चितरंगी थाना चितरंगी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसाही के ग्राम बंजारी में रंगलाल कोल के घर में अज्ञात कारण से आग लग गई, जिससे 100% जलकर खाक हो गया सामान। ग्रामीणों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज गर्मी तपती धूप की वजह से सभी हैंडपंप कुआं का जलस्तर नीचे जाने से पानी दूर से लाना पड़ा। तब तक आदिवासी के घर में रखा अनाज कपड़ा बर्तन कागजात अन्य सामान जल गया और आज बेघर हो गया। शासन प्रशासन से गुहार लगाया है कि उचित मुआवजा दिया जाए। आज विकास खंड चितरंगी के ग्राम पंचायत कुसाही के ग्राम बंजारी में है और एक आदिवासी के घर में आग लग गई है और पूरा जल कर खाक हो गया है। आज ये बेघर हो गए हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे आग लगी है। क्या नाम है आपका? रंगलाल। कैसे आग लग गई सर? घर पे कोई नहीं था। कहाँ गए थे आप? काम पे गए थे। कैसे आग लगी? आग कैसे लगी अब क्या मालूम। क्या क्या नुकसान हुआ? सब नुकसान हो गया, पूरा कुछ नहीं बचा है। हाँ, गल्ला भी था? गल्ला था, गल्ला चरपाई ओढ़ना कपड़ा साड़ी गहना सब चीज पूरा सब चीज घर में था। बता देना सब चीज बक्सा बर्तन भरवा सब। और आपके परिवार कहाँ रहते हैं? परिवार मेरा गया था मई के। मई के? अच्छा। और लड़के बच्चे भी सब? हाँ, दो बच्चे थे तो एक निकल गया था उधर पेट्रोल लेने और एक था तो ये सब खेल रहे थे। अच्छा, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया जी। हाँ, चलो। तो आज ये जो ग्राम बंजारी में एक आदिवासी घर में आग लगी है, आज मौके से हमारे बीच में हल्का पटवारी पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मतलब क्या कार्रवाई हुई इसमें जो आग लगी है। तो मौका जांच कर रहे हैं। हाँ जी। और नुकसानी जो भी हुआ है उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। अच्छा, ये तो पूरी तरह से जल के पूरी खाक हो गया है। हाँ, ये तो पूरी जल गया है। हाँ, तो मतलब आपका प्रयास क्या रहेगा, इनको कितना? 100% दिलाया जाएगा। 100%। हमारे बीच में ग्राम पंचायत कुसाही के सरपंच जय सिंह जी हैं। सरपंच साहब, ये एक आदिवासी का वो पूरा घर जल के खाक हो गया है, उस पर आपके ग्राम पंचायत द्वारा क्या कार्रवाई की गई? जी देखिए, हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव बंजारी आता है जी, उसमें रंगलाल कोल करके जी एक आदिवासी है, बेचारा अपना घर कच्चा मकान बनाया हुआ था जी। कल 5 बजे के आसपास उसमें अचानक से आग लगी। आग का कारण अभी तो क्लियर नहीं हो पाया है जी। जी, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसकी पत्नी भी घर पे नहीं थी, अपने मायके गई थी, वो रोजी रोटी के चक्कर में कहीं मिस्त्री का गराज मिस्त्री काम करता है जी, तो चला गया था काम करने के लिए जी। तो जब आग जली तो आसपास के लोग पहुँचे वहाँ, लेकिन तब तक इतनी ज़्यादा आग जल चुकी थी कि मैंने घर को बचाया नहीं जा सका जी। और 100% घर जल गया, पूरा अनाज जल गया, बर्तन जल गए, कपड़े जल गए, मैंने कुछ भी उसके पास बचा हुआ नहीं जी। हमको भी सूचना मिली, कल हम चितरंगी मुख्यालय गए थे, शाम को लौट के आए जब 10 बजे के आसपास रात घर पहुँचे, सूचना मिली, मैंने पहले तत्काल उसे फ़ोन पर बात की और स्थिति को जाना, और सुबह मैं उसके घर गया था तो देखा वहाँ 100% जल चुका है। पुलिस से भी मैंने बात की, सूचना दी भाई ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि कल शाम को ही वो सूचना देके गया है, और आप पटवारी साहब से भी मैंने बात की कि आकर के आप यहाँ का प्रोसेस कर लीजिए जी, और जो व्यक्तिगत तौर पे जो भी सहयोग हो सकता था उसका घर बनाने के लिए, हाँ, जो आर्थिक सहायता मैंने व्यक्तिगत तौर पर, शासकीय तौर पर देखिए हमने अभी कोई कुछ उपलब्ध नहीं कराया है जी, जी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो आर्थिक सहायता हमको देना था हमने दिया उसको जी। खाने पीने की व्यवस्था के लिए उसको बोला कि भैया, और जो लेबर थे उनको मैंने बोला कि भैया आपको मैं मजदूरी दे दूंगा, इसका घर प्राथमिक रूप से बनवा दीजिए रहने लायक जी। और उसके बड़े पिताजी का घर था, उसमें खाना पीना बनाने के लिए हमने कहा कि इसको आप लोग तब तक आश्रय दीजिए जब तक घर नहीं बन रहा। तो भीषण गर्मी है और जगह जगह आगजनी का की शिकायत आ ही रही है। हाँ, पानी का भी भीषण संकट है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जल की व्यवस्था भी हाँ, दूर थी, दूर है, हैंडपंप वगैरह वहाँ है नहीं, कुआ था जो पूरी तरह से सूख गया, नष्ट हो गया है जी, जी। तो अपने स्तर पे जो भी हो सका, व्यक्तिगत स्तर पे हमने किया है और प्रशासनिक स्तर पे भी हमने सूचना दी है, आगे की कार्यवाही के लिए हम प्रयासरत रहे हैं, अभी खास वहीं से लौट के ही आ रहे हैं थोड़ी देर पहले जी। चितरंगी से खबर समय जगत की रजनीश साहू की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।